और कुछ मेटल शेयरों की बात करते हैं। सबसे पहले वेदांता, याद रखें नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, नतीजे तो अच्छे थे, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है FY25 को लेकर, ब्रोकरेजेस की राय भी काफ़ी पॉजिटिव है, स्टॉक में करीब करीब 5% का उछाल इसके चलते दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर की भी बात करते हैं, स्टॉक में 2-3% की तेजी, कॉपर प्राइसेस लंदन मेटल एक्सचेंज पर बढ़े हैं जिसके चलते हिंदुस्तान कॉपर में आज तेजी दिखाई दे रही है। कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इन दोनों ही मेटल स्टॉक्स पर क्या राय बनती है, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर? जी बिल्कुल, अगर अपने मेटल सेक्टर को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो लेट्स से कोविड को होने से 4 साल ऑलरेडी हो गए हैं, तो इन 4 साल में पहले के जो 2 साल थे वहां पे मेटल स्टॉक्स की काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली थी, लेकिन इसके बाद के जो 2 साल थे तो वहां पे मेटल स्टॉक एकदम साइडवेज पैच में आ गया था, लेकिन इस साल में फिर से हमें मेटल सेक्टर्स में फिर से काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है ऑन द चार्ट, और काफी सारे अदर फैक्टर्स है जो इनको इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को बूस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल चार्ट का सेक्टर चार्ट वाइज और सेक्टर वाइज मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। VDL का देखते हैं तो एक टाइम का काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन इस महीने में अभी तक इसमें 45% की अपसाइड मोमेंटम ऑलरेडी दर्ज की चुकी है, और डेली चार्ट पे मैं देखता हूँ तो रिजल्ट के चलते हुए काफी अच्छे मूव देखने ऑलरेडी मिले हुए हैं, लेकिन अभी भी इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू साइन रह सकती है। पोजिशनली मैं मानता हूँ कि 395 पे लेवल ये चल रहा है, तो इसका अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे 430 से लेके 435 की रहनी चाहिए, तो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम बैट ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसका कहाँ ना कहाँ पे 370 के लेवल के अराउंड हमें रखना चाहिए। और जो दूसरा काउंटर था हिंद कॉपर का, तो वहां पे भी एक अच्छा सा ही ट्रैक्शन हमें देखने मिला हुआ है, स्टॉक प्राइसेस ने 3-4 दिन के पॉज के बाद में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ है, और इसके चलते वो अभी अपने जो नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था उसके यहाँ पे निकलने की तैयारी है, तो 425 उसका एक नेक्स्ट बेस्ट मुझे हर्डल लग रहा है, तो वहां तक इसके पॉजिटिव मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मोमेंटम हो सकती है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आइडियली इसमें हमें 370 का रखना चाहिए, तो दोनों स्टॉक पे पॉजिटिव की राय है। ठीक है, तो ये राय थी हिंदुस्तान कॉपर और वेदांत। स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, और थोड़ी देर पहले हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स की कुछ अहम बातें आपको बताई थी, थोड़ा डिटेल्स और आपके सामने रख देते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसमें मुनाफा, जैसे हमने आपको बताया, 45% बढ़कर 1218 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुँचा है। प्रोविजनिंग में जो है वो यहाँ पर जो है घटोतरी देखने को मिल रही है, 0.3% की यहाँ पर गिरावट है, 943 करोड़ पहुँचा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो हम यहाँ पर ऑपरेशनल प्रॉफिट देख रहे हैं वो 19% से ज़्यादा बढ़ा है, 2210 करोड़ पहुँचा है। वहीं ग्रॉस NPA 2.04% से घटकर 1.88% पर पहुँचा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। नेट NPA अगर हम देखें 0.22% से घटकर 0.02% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पहुंचा है। तो ये पूरा आपके सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों को हमने रखा। कपिल, बताइए नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं, और यहाँ से फिलहाल जिस तरह का एक्शन हमें नज़र आ रहा है स्टॉक पे, अभी हम थोड़ी देर पहले लगभग 1.5% की तेजी थी, अब देखिए 2.5% ऊपर ये स्टॉक का, यहाँ से कैसा लग रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र? जी बेसिकली अभी का पिछले 2-3 दिन का हम मार्केट का सेक्टर वाइज जो एक ट्रेंड देखते हैं तो PSU बैंक्स ने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है। कल के दिन में PSU बैंक्स ने कुछ 3-3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की थी, और आज भी एक बुलिश मोमेंटम इसमें जारी है। हालांकि जो लीडिंग PSU बैंक है वहां पे एक बिकवाली हमें देखने मिल रहा है, लेकिन जो महाबैंक है या फिर यूनियन बैंक है, PNB बैंक है, कैनरा बैंक है, वो अभी भी अपना स्तर पॉजिटिव में रखे हुए हैं। PSU बैंक ने भी काफी अच्छा ब्रेकआउट है, सस्टेन तो है, और यहाँ पे मैं महाबैंक का यहाँ पे देखता हूँ स्टार्ट का स्ट्रक्चर, तो फिर से एक ब्रेकआउट तो है 59-60 का लेवल, जो मंथली चार्ट पे काफी टाइम से ब्रेकआउट था वहां पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। बीच में कुछ डेली चार्ट पे इमीडिएट करेक्शंस आए थे, लेकिन उसके ऊपर भी वो अभी उभर रहा है, तो स्टॉक प्राइस में बुलिश मोमेंटम है, 66.75 पे चल रहा है, पॉजिटिव व्यू बनता है, और मुझे लगता है कि इसके अपसाइड मोमेंटम कहां ना कहां पे अभी भी 69 तक की बन सकती है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, तो शॉर्ट टर्म में 69 का अप मूव इसमें पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। IT सेक्टर पर नजर डालते हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, जिसके नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे, 8-9% का उछाल उस काउंटर पर है। इसके साथ ही साथ LTI, माइंडट्री, एम्फोसिस जैसे कुछ स्टॉक्स भी आज रिएक्ट कर रहे हैं।
कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी तीनों ही आईटी काउंटर्स पर, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और एलटीआई माइंडट्री। जी बेसिकली उनका आज के दिन से पहले उनका ट्रेंड जो था वो एक इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मोमेंटम में आए हुए थे, और आज सडनली एक ही दिन में हमने काफी ऊपर की ओर जंप देखने मिला हुआ था, लेकिन ऊपर की ओर से भी काफी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई है। लेट्स से टेक महिंद्रा था तो इंट्राडे में उसने कुछ 1350 के हाई बनाए हुए थे, लेकिन 1350 से वो फिसल के अभी 1285 के लेवल पे चल रहा है, तो इंट्राडे वाइज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। ये एक वन डे का एक इवेंट है जो चार्ट को थोड़ा सा उसने डिस्टर्ब किया हुआ, लेकिन अभी भी अंडरलाइंग टोन उसका साइडवेज नेगेटिव बना हुआ है, तो मेरा ये व्यू बनेगा कि इसपे अभी की आज की जो मोमेंटम आई है उसको चेस ना करते हुए स्टॉक को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दें, और जब भी उसका चार्ट एक्चुअल में निखर के जब भी बाहर के और में मूव करता है तभी हमें एक व्यू देखना चाहिए। जेंसर टेक भी आज एक स्टॉक है जहां पे हमें एक 9-10% की मोमेंटम देख रहे हैं, उसका मुझे नॉर्मली स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा था, 645 का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वहां पे भी हमें रेजिस्टेंस फेस करते हैं, थोड़ा सा स्टॉक प्राइस नीचे भी डिक्लाइन हुआ है, तो मेरा मानना ये रहा कि थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा आज का इवेंट को डाइजेस्ट हो जाने दें, और उसके बाद का जो ट्रेंड आके निकलता है तो उस पर हमारा व्यू बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया अब फिलहाल टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री और बाकी अहम स्टॉक्स पर करते हैं, और हमारे अगले सेगमेंट पर नजर डालते हैं ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ रुचित जैन जी जुड़ चुके हैं। रुचित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। अगले 1-1.5 घंटे के लिए क्या राय रहेगी मार्केट पर, और कोई स्टॉक जो निकल कर आ रहा है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट्स में तो अभी भी इंडेक्स फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि मोर एक कंसोलिडेशन फेज है, तो वो और कुछ समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम की कोई कमी नहीं है, सो इसलिए हमारा फोकस अभी भी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे ही है। तो आज स्टॉक्स में टाटा पावर में खरीदारी की सलाह है कि जहाँ पे हम पिछले 1.5 हफ्ते का कंसोलिडेशन हमने देखा और वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है यहाँ पे, सो टेक्निकली भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है इसमें, तो टाटा पावर के 450 के कॉल ऑप्शंस खरीदारी की सलाह रहेगी जो 13.80 रुपए के आसपास चल रहा है, 10.5 का स्टॉप लॉस है और 21 रुपए का टारगेट वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय थी टाटा पावर पर। हम आपके लिए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी लेके आना चाहेंगे, सेबी का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया में कुछ इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं, तो उसका ध्यान रखकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया में ट्रेड करें। और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं, सामने लाइए बायोकॉन। हम देख रहे हैं कि अपने 52-वीक हाई के करीब ये स्टॉक इस वक्त नजर आता हुआ, उस 52-वीक हाई के ऊपर है इस वक्त ये स्टॉक। इसके अलावा संवर्धना मदसन देखिए, ये भी आज अपने 52-वीक हाई पर पहुंच चुका है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर सोनी जी आपका क्या नज़रिया होगा, बायोकॉन और संवर्धना मदसन? जी प्रशांत जी, बायोकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा ब्रेकआउट आया है 300 के ऊपर, सो यहाँ पे हम देखेंगे तो सपोर्ट 300 का भी बन गया है और स्टॉक यहाँ से 330 के जोन्स को टेस्ट कर सकता है, सो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, 300 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 330 टारगेट रहेगा। संवर्धन मदरसन की बात करें तो यहाँ भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, प्लस यहाँ पे आज वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, प्रीवियस डे वॉल्यूम्स को क्रॉस किया है, 128-129 की रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है, सो काफी टाइम के बाद एक 130 के लेवल्स को एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, सो एक पॉजिटिव व्यू बनता है टुवर्ड्स 140, आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 126 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 140 टारगेट। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक का इस वक्त बेहतर ट्रेंड दिखाते हुए यहां पर खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आती हुई बायोकॉन संवर्धना मदसन में।